Are you listening? Damn. Welcome back to our channel. I'm Nishita. I'm Rohan. And you're watching Namaste. So we are recording after so long, and our baby is almost 3 months. She's like 2.5 months now. And abhi jaake hum log us mera pregnancy journey ka vlog edit karke we are going to be uploading it. तो हमने सोचा कि why not बीच में हमने कुछ clips डाले हैं, you know, throughout the journey का clips है. एंड वी थॉट कि उसके बारे में थोड़ा कुछ बैक स्टोरी होगा. कभी कुछ हमने शायद व्लॉग में आपको समझ नहीं आया, तो छोटे छोटे क्लिप्स हैं ना, इसीलिए तो हम लोग थोड़ा सा उसका बैक स्टोरी भी देंगे, यू नो, हियर लाइक नरेशन काइंड ऑफ थिंग. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस बम्प टू बेबी वाला बुक. दिस बुक हैज़ बीन विथ मी थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी. इसमें मैंने बहुत कुछ चीज़ें लिखी है, विच इज़ लाइक, यू नो, फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा हॉस्पिटल का टैग था जो मेरे हाथ पे बांधा हुआ था. ऑब्वियसली आई वोंट शो यू द नंबर एंड ऑल, थोड़ा कॉन्फिडेंशियल डेटा है. एंड यू नो, वी हैव रिटन सम मैसेजेस फॉर ईरा, वी हैव सम बेबी प्रेडिक्शंस. इस पे थोड़ा नाम लिखे हैं हमने. ऑब्वियसली यहाँ पे बॉय नेम है, गर्ल नेम है, बट आई डोंट वांट रियली शो यू कि हमने कौन से नाम लिख के रखे थे. तभी हमें जेंडर पता नहीं था, इसलिए हमने थोड़े गर्ल्स के नाम, थोड़े बॉयज के नाम हमने शॉर्टलिस्ट किए थे. तो अभी बट एज यू कैन सी, यहाँ पे हमने जो सिलेक्ट किया हमारे बेबी का नाम, वो है आपको तो पता ही होगा, विच इज़ ईरा. सो या दैट इज़ आर बेबी नेम जो हमने सिलेक्ट किया. ये हमने बहुत पहले देखा था. हमने सोचा था कि इमेजिन अगर लड़की होगी, इमेजिन हर रनिंग अराउंड द हाउस एंड इफ यू वांट टू कॉल हर, हाउ डज ईरा साउंड. तो ये ईरा वॉज लाइक, इट फेल्ट सो क्यूट एट दैट टाइम एंड वी वर डेड श्योर की लड़की होगी, तो दिस इज़ द नेम. लड़के का वी वर नॉट लाइक, ऐसा एकदम ऐसे दिल छूने वाला नाम नहीं आया था. आई थिंक इट वॉज ऑल रिटन ऑलरेडी. हम एक्ट नहीं है कि हमने लड़कों के नाम हमने देखे ही नहीं उतने, बहुत देखे बट वी डिडंट लाइक, पसंद ही नहीं आ रहे थे, पसंद नहीं आते जितना. और ईरा ये नाम जो है, फर्स्ट मोमेंट में दोनों ऐसे जो क्लिक हुआ दोनों को, और बस मतलब उसके बाद बहुत सारे नाम आए, आते गए, लिस्ट बढ़ता गया, बट ये नाम तो टॉप में रहा हमेशा. बेबी प्रेडिक्शंस इसमें कैसा है, वी हैड प्रेडिक्टेड लाइक रोहन का एंड माइन प्रेडिक्शंस था व्हाट डेट विल यू नो अ बेबी बी बॉर्न. और एक था हेयर कलर, आई वॉन्टेड हर टू हैव लाइक डार्क ब्लैक एबोनी हेयर एंड रोहन वॉज लाइक, यू नो, ब्लैक. कि आई वॉन्टेड अ बेबी टू हैव माई आईज एंड माई हेयर एंड आई वॉन्टेड हर टू हैव हिज स्माइल एंड नोज एक्चुअली, बट द नोज अभी माई लिप्स एंड माई नोज, रोहन लिप्स वॉज वॉट आई वॉन्टेड एंड नोज भी मैंने रोहन का बोला था, बट अभी नोज का तो पता नहीं, हाफवे हो गया है नोज. मुझे लग रहा है दोनों का मिक्स टाइप हो रहा है एंड आईज एंड हेयर तो है मेरे जैसे, योर लिप्स आई कैन सी इट ऑन हर एंड ये पार्ट आई सी इट लाइक रोहन का है. तो ऑब्वियसली बच्चों का ना चेंज होते रहता है हर दो महीने में, तीन महीने में दे कीप लुकिंग डिफरेंट अप टिल यू नो दे टर्न टॉडलर्स, तब जाके शायद उनके थोड़े फीचर्स सेटल हुए, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो क्लिम्स आ जाता है ना कैसे दिखते हो. तो ऐसा था, तो दिस वाज ऑल आई रिमेंबर टेलिंग रोहन, यू नो, विशिंग फॉर ऑल दिस एंड स्ट्रेट के रखे थे क्योंकि अभी तो मेरे बाल ज्यादा नहीं बचे, बट जब मेरे बाल थे इट वॉज वेरी स्ट्रेट. मेरे बाल बहुत स्ट्रेट थे, तो ऐसे मुझे लग रहा था कि हाँ पॉसिबिलिटी है, और भी 50-50 चांसेस होते हैं. He tells me that he liked me the moment he saw my hair. हाँ, I know. You're telling me that you know now baby should have straight. No, no. नहीं, it just कि मुझे क्या लग रहा है, क्या हो सकता है. Obviously, I love your hair. Still, I love your hair. But फिर मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्यों मेरे जैसे बाल होंगे. अच्छा, ये मंथ वन में आते हैं, वीक वन, वीक टू, वीक थ्री, वीक फोर, ऐसे सब है. तो व्हाट ऑल वी वेंट थ्रू ड्यूरिंग दिस टाइम, ऐसे सब लिखा है, लाइक यू नो इन वीक 9 वी वेंट, आई स्टार्टेड फीलिंग नॉशियस एंड ऑल लिखा है मैंने. सो दीज आर थिंग्स दैट यू नो आई माइट नॉट रिमेंबर आफ्टर एग्जैक्टली कपल ऑफ इयर्स.
तो निशिता ने यही कि हर एक वीक में क्या क्या उसको फील हुआ, क्या क्या बॉडी में चेंजेस हुए, उसके इमोशंस क्या थे ये सब वो टाइम लिखा है। पे, डॉक्टर्स विजिट में क्या हुआ, और वो टाइम पे क्या बड़ी बड़ी चीज़ें हुई जो कि इम्पोर्टेंट है ये बात मेंशन करना, वो सारा निश्चिता ने लिखा है वीक 9 में ईच। वी आर गॉन फॉर द फर्स्ट स्कैन, वो भी स्कैन रखा है मैंने, इसमें एक छोटा सा पॉकेट है जिसमें हाँ यू कैन इवन कीप स्टफ। तो जितने भी ये प्रेगनेंसी टेस्ट है जो आ मैंने लिया हाँ था, दिस इज द फर्स्ट प्रेगनेंसी विच स्ट्रिप, शोज टू ये लाइक आप आगे देखोगे, प्रेगनेंट। ये वाला हाँ नहीं, शायद ये वाला नहीं, ये वाला बट इसके नहीं। बारे में बात की हमने। हाँ तो प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में भी बोला है, आप हाँ। वो भी देख लो कैसे था हमारा। हमने बहुत रॉ रिएक्शंस रखे तो और वही, तो इस तरीके से ये बुक में हमारे पूरा इसका प्रेगनेंसी जर्नी हमने हमारे लिए पूरा डॉक्यूमेंट किया है। सॉरी देर बी लॉट ऑफ नॉइज ओवर हियर, वी डिसाइडेड टू कम डाउन बिकॉज दिस इज इराज वॉकिंग टाइम। हाय इरा, ऑब्जर्विंग से हाय। एवरीथिंग, से हाय। शी इज नाइस एंड कोजी एंड वी कैन नाइसली व्लॉग। या सो दिस वीडियो दैट वी हैव आफ्टर दिस इज द डे वी फाउंड आउट दैट यू नो वी आर प्रेग्नेंट। निशिता को थोड़ा मतलब ऑब्वियसली शी स्किप पीरियड्स, तो फिर उसको थोड़ा बहुत हिंट लग गया था। तो लिटरली जीरो सिम्टम्स, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थे लाइक वॉमिटिंग एंड ऑल जैसे पिक्चरों में बताते, ऐसे कुछ नहीं था मुझे। ओनली थिंग स्किप हो गया, यू नो माय पीरियड्स वर स्किप और एंड मुझे आई वाज पता भी लाइक नहीं था, मुझे पता भी नहीं या था। एंड मेरा कैसे ना काम थोड़ा लेट स्टार्ट होता है, तो आई जस्ट टोल्ड रोहन ना मैं थोड़ा नीचे जाके आती हूँ एंड आई वेंट एंड आई बॉट प्रेगनेंसी टेस्ट, तो आई वांटेड टू गिव हिम सरप्राइज एंड ऑल दैट, तो ये सब मैंने प्लान किया था और मेरा मीटिंग चल रहा था, हाँ याद है। एंड मैंने लिया टेस्ट, इट केम पॉजिटिव एंड इतना सब मैंने प्लान बनाया था कि आई सरप्राइज रोहन, आई डू दिस, आई डू दैट, नथिंग, आई कुडंट डू एनीथिंग। इतना इतना एक्साइटमेंट मीटिंग के बीच में, आज मुझे याद है मेरा मीटिंग था विद बॉसेस बॉस हु इज लोकेटेड इन US, तो वहाँ पे मीटिंग चालू था और कैमरा ऑन रखना पड़ता, तो कैमरा ऑन था एंड निशिता केम एंड शो मी द स्ट्रिप। अच्छा हाँ वो डिजिटल नहीं था, नॉर्मल था, जब उसने हाँ नॉर्मल टेस्ट था, शी ब्रॉट टू, एक डिजिटल और एक नॉर्मल। मैंने अर्ली रिस्पॉन्स करके होता है जो यू नो अर्ली डिटेक्ट करता है, आई वॉज लाइक चलो ले लेते हैं ज़्यादा सेंसिटिव होगा, तो आई वॉट दैट एंड आई वॉट डिजिटल वन, तो आई वॉज लाइक लेट्स ट्राई दी अर्ली वन एंड केम एंड पॉजिटिव एंड आई लेफ्ट इट देयर ऑन हिज टेबल एंड आई वॉज लाइक कि क्या रिएक्ट करूँ, यहाँ पे मतलब चल रहा है, मेरा मीटिंग चल रहा है, कैमरा ऑन है और मतलब इसकी भी गलती नहीं कि ऑब्वियसली ऐसा नहीं, शी कांट वेट, ऑब्वियसली ये आ गए। आई वाज लाइक आई विल प्लान दिस एंड टेल हिम यू नो सरप्राइज करके बताऊंगी, बट नथिंग, शी कुडंट वेट और ऑब्वियसली, और आई वाज लाइक कि मैं क्या करूं, मेरे आई वाज अबाउट टू यू नो यार कि कब ये मीटिंग खत्म हो जाए, कब ये एंड कर दूं एंड हाउ वी कैन सेलिब्रेट दिस, बट फिर हाँ ये मीटिंग खत्म हुआ एंड देन फिर निशिता सेड कि मेरे पास और एक है डिजिटल वन, तो फिर निशिता ने वो उस पर हमने फिर उस पर आपको डिजिटल वाला वीडियो दिखेगा विच वी टू थोड़े टाइम के बाद, लाइक एक दो दिन के बाद लिया डिजिटल, वेरी वेरी रॉ रिएक्शन, वेरी रॉ रिएक्शन, क्योंकि वी वर लाइक पता नहीं यार एक टेस्ट लिया है सिर्फ, आई डोंट नो वेदर इट इज ट्रू, मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, तो हमने डिजिटल वाला भी लेके रखा था, मैंने लेके रखा था, तो आई वॉज लाइक दो दिन बाद फिर से देखते हैं and it came back positive and look at our reactions. Welcome to the world. I hope you like that. It was fun. So now next video is our first scan which we had at 9 weeks. India mein I think iske pehle scans ho jate hain before 9 weeks, but yahan pe it is like till 6 weeks they don't scan, they don't have any scans because well for reasons like you know tab tak assurance nahi hota, it can be a different kind of pregnancy
मे बी इट्स नॉट वायबल, ऐसे सब भी होता है. डिफरेंट काइंड यानी मतलब वो एक टॉपिक एंड ऑल होता है ना. ओके तो ऐसे सब दे डिडंट वांट टू केमिकल प्रेगनेंसीज. केमिकल प्रेगनेंसीज होते हैं. सो दीस आर लाइक नॉट वायबल. तो दे डोंट स्कैन यू टिल 6 वीक्स. तो 9 वीक्स में वी वेंट प्राइवेट. तो बिकॉज यहाँ पे पब्लिक इज टोटली फ्री इफ यू हैव प्राइवेट इंश्योरेंस. बट प्राइवेट गए हम बिकॉज कोविड का टाइम था एंड यहाँ पे हॉस्पिटल्स कैसे होते क्या होते वी हैड नो आइडिया. सो वी डिडंट वांट टू रिस्क इट. सो देन हाँ आई वेंट प्राइवेट एंड मुझे 9 वीक्स में फर्स्ट अपॉइंटमेंट मिला फॉर द स्कैन एंड वी गॉट टू सी आवर लिटिल बेबी ओवर देयर. And how big was she? She was 2.7 centimeters. 2.7. जो अभी आप देख वीडियो देखोगे 2.7 centimeters की और literally you can see hands and legs. You can see tiny hands and legs on that. I don't know how. मतलब अगर पूरा का पूरा वो जो baby 2.7 centimeters की थी तो मतलब you can imagine वो हाथ और leg कितने millimeters के होंगे. ये था निशिता का फर्स्ट स्कैन और उसके बाद सिंस वी वेंट प्राइवेट ऐसे स्कैन होते गए बेबी का ऑलमोस्ट एवरी मंथ बेबी का ग्रोथ देखने निशिता हाउ इज निशिता सब चेक करने. तो वो प्राइवेट डॉक्टर यूज टू कॉल निशिता एवरी सिंगल मंथ. तो ये करते करते हम फिफ्थ मंथ तक पहुंच गए जब बेबी का जेंडर पता चल सकता है. बेबी हाँ मतलब बेबी उतनी ग्रो हो चुकी थी उसके उसके ऑर्गन्स उतने ग्रो हो चुके थे कि बेबी का जेंडर पता चले. लाइक ऑगस्ट आई थिंक ऑगस्ट में था. ऑगस्ट था 5 months. तो तभी वो भी हमने एक अलग सा व्लॉग भी बनाया फॉर जेंडर व्हील. अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखो बहुत प्यारा है. हाँ तो वो डॉक्टर ने हमें लिख कर दिया था. हाँ एंड रोहन सॉ इट फर्स्ट. तो अब वो देख लो हमने छोटे छोटे क्लिप्स रखे इसमें और व्लॉग भी जरूर देखना. सो आई एम रिवीलिंग इट टू माय सेल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम. ओह माय गॉड डर लग रहा है. तो अभी जो आप इसके बाद देखोगे दैट इज़ माई फर्स्ट. मैंने फर्स्ट डोज लिया था कोविड वैक्सीन का फाइजर का. आई हैड स्पोकन टू माई डॉक्टर शी टोल्ड मी कि यू हैव टू टेक द वैक्सीन लाइक यू नो. इंडिया में नहीं दे रहे थे तभी प्रेग्नेंट औरतों को. इंडिया में एस्ट्राजेनिका और ये अलाउड नहीं था कोवैक्सीन. दोज वर लाइव वायरसेस तो वो नहीं डालते अंदर इन द बॉडी व्हेन यू आर प्रेग्नेंट. बट यहाँ पे फाइजर एंड मॉडर्ना थे. दोज वर द ओनली वंस दैट दे वर गिविंग प्रेग्नेंट वुमेन. तो शी वॉज लाइक गो गेट द वैक्सीन. आई हैड टू मैंशन दैट आई एम प्रेगनेंट सो दे गिव यू द प्रॉपर वैक्सीन. एंड आई वॉज सो स्केयर्ड. आई मीन आई हैड नॉट हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल टेकिंग द वैक्सीन इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. बट आई वॉज लाइक डॉक्टर्स बोल रहे तो आई थिंक इट्स ओके. एक लेडी जब वो प्रेग्नेंट होती है कैसे वो बॉडी को समझ जाता है कि अंदर एक बेबी है और फिर वो बुखार एंड ऑल वो चीज़ नहीं होनी चाहिए बिकॉज इट्स हार्मफुल फॉर द बेबी. अभी मुझे हुआ फाइजर का ऐसे कि मतलब बुखार आना इट्स नॉर्मल. ऐसे नहीं कि बुखार नहीं आएगा और ऐसा नहीं हर एक जन को आता है बट निशिता को नहीं आया बुखार. आई हैड अ सोर आर्म दैट्स इट. दो दिन मेरे हाथ बहुत दिख रहे थे बहुत. एंड वी वर वरीड कि मतलब बेबी है अंदर बुखार आएगा बेबी को कुछ उसके इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए बट नहीं निशिता को नहीं आया बुखार. आई एम लीविंग टू टेक माय वैक्सीन माय कोविड 19 वैक्सीन विद दिस लिटिल वन.
I am 20 weeks pregnant and I am going to be taking the first dose of the Pfizer vaccine. So, मुझे वैसे भी सिरिंज से डर लगता है. But then now I'm not alone. I have this tiny little bundle inside me. So I'm even more scared. So wish me luck and I hope everything is fine. We both are all okay. ये भगवान ही देखो किसी टेंट वेंट लगा है. देख के डर लगता है. निशिता भाई. एंड फिर उसके बाद आया सितंबर और सितंबर में आता है निशिता का बर्थडे. निशिता न्यू कि ये मेरा लास्ट बर्थडे होगा जिसमें आई वोंट बी अ मदर नेक्स्ट टाइम से. आई विल हैव अ बेबी विद मी. और मैंने मेंशन भी किया वीडियो में ये चीज बोली कि मतलब निशिता को पता था कि मतलब कि हम दोनों ने अकेले नहीं है जो सेलिब्रेट कर रहे, कोई तो है. तो एक छोटा सा स्टेकेशन करने गए थे हम पास में. एंड वो भी देख लो, उसका अलग से व्लॉग भी बनाया हमने. उसका भी अलग व्लॉग बनाया आप देख सकते हो. तो उसके थोड़े से पार्ट्स डाल दिए. वो मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला था विद माय बम. उसके पहले मैं छुपाती थी बट आफ्टर दैट आई कुडंट. हां एंड निशिता ने रिवील कर दिया था ऑन यूट्यूब दैट शी इज प्रेग्नेंट. ऑब्वियसली फैमिली वालों को सबको पता था उससे पहले बट यूट्यूब पे पहली बार बताया निशिता ने. मतलब हम दोनों के साथ और भी कोई है हमारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए. तो इट इज मोर एक्स्ट्रा स्पेशल एंड दिस इज द रीजन. तो ये भी हमारे साथ है टू सेलिब्रेट माई बर्थडे एंड इट इज रियली रियली स्पेशल टू मी. एंड आई डोंट नो इसके बाद हम 2 से 3 होंगे. हाँ तो ये हमारा बोल सकते हैं निशिता का लास्ट बर्थडे है जहाँ पर सिर्फ हम दोनों सेलिब्रेट करें. इसके बाद हम दोनों अकेले नहीं होंगे. जब बेबी घर पे आता है तो आपको बहुत सारे घर पे चेंजेस करने पड़ते हैं. बहुत सारी चीजें लानी पड़ती है घर पे जो हम अभी भी ला रहे हैं. और अभी भी ला रहे हैं. तब मतलब बेबी जब नहीं था तब से ला रहे थे, अभी भी ला रहे हैं. बहुत सारी चीज़ें जैसे कि ये अभी जिस पर बेबी सोई है वो चीज़, बाद में बेबी के लिए प्ले मैट्स, बेबी के लिए और बहुत सारी चीज़ें. अभी जैसे अभी भी हमने मॉनिटर लिया राइट. तो फिर बहुत बट सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ थी कि बेबी आई कि बेबी सोएगी कहाँ पर. तो इसलिए हमने एक क्रीप ऑर्डर किया फ्रॉम आइकिया. तो जब भी ऑर्डर किया वी वर लाइक कि चलो क्रीब आ जाएगा, बना देंगे. ऑब्वियसली आईकिया का सबको पता है कि वो सेल्फ असेंबली होता है. इंडिया में तो ठीक है, इंडिया में आईकिया भेजते हैं पता. यू नो इंडिया में आईकिया, इंडिया में इट्स वेरी सिंपल कि तुम जो भी फर्नीचर चाहिए ऑर्डर करो. आईकिया के कारपेंटर्स आते हैं और दे कैन दे हेल्प यू. कारपेंटर होंगे कोई भी नहीं आता, तुम्हें खुद को करना है. अमेज़न पे भी यू हैव ऑप्शंस लाइक यू नो करा के असेंबल करते हैं. यस राइट. दे आर वेरी लाइक सेल्फ सफिशिएंट. यहां पे उनको सब अपना करने, यहां पे टूल बॉक्स होना जरूरी है घर पे. तो ऐसे ही तो फिर हमने आईकिया से ऑर्डर किया और हमने बिल्कुल हमें आइडिया नहीं था कि जब वो आएगा हमारी क्या हालत होने वाली है. ये पूरा हमने सारे बॉक्सेस ओपन किए, सब हमने ऑर्गेनाइज किया है एंड इतने सारे. रोहन क्या हुआ आपको? और ये दिख रहा है आपको सिंगल सिंगल, ये डबल डबल है. हाँ दो है, दो है, एक के पीछे एक रखे है. दो ही दिख रहे हैं. दो दिख रहे हैं. हाँ ये भी दो है, सारे दो है. माय बेबी गर्ल यू हैव टू स्लीप क्वाइटली नाउ, डोंट ट्रबल अस स्लीपिंग, डूइंग सो मच फॉर यू. अभी सिर्फ आएगा इस पे मैट्रेस. हाँ सिर्फ मैट्रेस बचा है अभी. अभी निशिता इज 7 मंथ और 7 मंथ में बेबी शावर होता है. तो फिर निशिता का फर्स्ट बेबी शावर हुआ महाराष्ट्रन तरीके से. उसका भी व्लॉग है, तो उसका भी अलग से व्लॉग है उसका भी. तो आप उसका छोटा सा ग्लिम्स देख लो.
ऑफ टू टेक माई सेकेंड कोविड वैक्सीन विच इज आई थिंक आफ्टर अ मंथ देते हैं यहाँ पे फाइजर का 1 month वेटिंग 28 डेज ना 28 डेज तो 21 डेज से लेके 28 डेज तक कभी भी देते हैं तो आई मेरा एग्जैक्टली 1 month में कुछ हुआ एंड आई हैड गॉन देयर टू टेक द वैक्सीन तो उसमें मुझे ना हल्का सा आई फेल्ट लाइक माई body started becoming little warm at the night you know raat ko when I was sleeping I felt warm but mujhe medicine nahi lena pada nahi to wo theek tha obviously again sore arm weakness dehydration wo sab hua she was much better compared to me main mujhe yaad hai mujhe 102 bukhar aa gaya tha aur lambe time tak bhi tha like 5-6 hours he had fever 5-6 hours yeah to nishita ko aisa kuch nahi hua nishita bas kambal udkar so gayi subah she was fine aur usne medicine bhi nahi lena pada I was so glad कि मुझे medicine नहीं लेना पड़ा है ना because you can take 2 paracetamols like 500 mg का you can take but I didn't want to. Okay guys so I'm done with both the doses of my Pfizer vaccine and it was a good experience even today the nurse was really good she was really sweet really gentle she told me to keep myself hydrated and rest as much as I can it's Friday today it's 24th of September it's Friday and I have Saturday, Sunday to rest and relax. So hopefully I don't have any side effects. She told me that it's safe to take, just like my OB. She told me that it's safe to take about 1 gram of paracetamol, like 500 mg, 2 doses of those. But hopefully I don't need it, and we are okay for now. Hopefully we are okay even tonight and tomorrow. And I have no side effects. अभी हम लोग जाते हैं for our maternity shoot ना? Yes. उसके बाद हम जाते हैं maternity shoot. Even ये भी मतलब हमारा पहले plan था कि studio में ही निकालना है but the same day photographer called and said it's a very beautiful day. Are you okay with an outdoor shoot? And I was like split second decision था. I was like okay. And मैंने सारे poses and all सोच के रखे थे for an indoor shoot. But I'm so glad I went for the outdoor one. I mean, they're so photos turned out so good. अगर नहीं देखा है YouTube पे नहीं है ना डाल YouTube पे नहीं है मैंने Instagram पे डाला Instagram पे तो है yes Instagram पे you can follow Namaste और वहाँ पे you can photographer just so nice people who are in Ireland you should Cork especially you should go to her she is so sweet हमने newborn shoot भी उससे किया था हीरा का she was so patient with हीरा today is 21st of November Sunday और निशिता एंड आई आर गोइंग फॉर हर मैटरनिटी शूट निशिता इज गेटिंग रेडी एज यू कैन सी शी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल वाओ आई डिड ऑल माय मेकअप एंड कपड़े तो वहीं पे पहनूंगी मैं बिकॉज इट्स अ लॉन्ग फ्लोइंग दोनों ने शॉपिंग की ये वीकडेज में ये वीकडेज में हम लोग बाहर गए वीकडेज एक्चुअली हम बाहर जाते नहीं बट वी वेंट आउट फॉर शॉपिंग थोड़ा बहुत शॉपिंग कर लिया हम लोग ने यहाँ से और सॉरी फॉर द मेस पूरा अभी निशिता तो रेडी हो गई मैं क्या रेडी हो सोच रहा था तो फिर मुझे थोड़ी बहुत जो दाढ़ी के बाल है जो सफ़ेद हो गए थे उसको मैंने काले कर दिए थोड़े बहुत नहीं बहुत कुछ बहुत ज़्यादा ही हो गए थे तो विट हाँ अभी थोड़ा 4 से 5 साल यंग हो गया हो तो ये थोड़े थोड़े ये एक्चुअली बहुत ऐसे वीडियोस निकले बहुत ज़्यादा बट सिर्फ 1 या 2 वीडियो शायद हम रखेंगे इस ब्लॉग में पर्सनल ऑब्वियसली पर्सनल है इसलिए बस थोड़ा सा जस्ट कि जब हम ये वीडियो देखें क्योंकि पता नहीं अभी जो हमारे पास जो वीडियो है ऑब्वियसली हमने उसका बहुत सारा बैकअप लेके रखा है बट पता नहीं हम जाके देखेंगे एग्जैक्टली बट यूट्यूब तो देख लेंगे हाँ. तो हीरा देखेगी चलो ये वीडियो देखते हैं तभी क्या हुआ था हाँ. हीरा देखेगी और YouTube ऐसा जगह कि अभी है वहाँ पर तो वो रहेगा हमेशा हमने एक या दो वीडियो रखे हैं जहाँ पर बेबी जब निश्चा के पेट में थी और वो जब वो मूव करती थी तभी कैसे निश्चा का पेट यूज टू यू नो एक साइड से दूसरे साइड हो जाता था लिटरली तो ये 1-2 वीडियोस रखे वो भी देख लो बच्चू पूरा लेफ्ट साइड पे हाँ
दिसंबर मंथ आ गया, मतलब ऑलमोस्ट 9th मंथ. निश्ता नाइन्थ मंथ और निश्ता की मम्मी आ रही थी यहाँ पर डबलिन. तो डबलिन से उनका फ्लाइट डबलिन में लैंड हो रहा था, तो हम कॉर्क से डबलिन कार से गए उस दिन उनको पिकअप करने. एंड वही ये भी देख लो आप, फर्स्ट टाइम आफ्टर सो लॉन्ग मम्मी ने मुझे देखा. पूरे प्रेगनेंसी नहीं देख पाई मीन इन पर्सन, बट सो इमोशनल भी है. It's 6th of December today and today my mom is finally going to be landing in Ireland. We are seeing each other after a year and a half and you know she's going to be directly seeing me with this tiny little thing here. So it's a very very special day for us. तो ये वाला जो बेबी शावर है ये मेरी मॉम आने के बाद का है. मैंगलोरियंस में कैसे होता है, एक बेबी शावर होता है व्हेन यू आर इन अ हस्बैंड्स होम एंड देन टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर प्रेगनेंसी यू गो टू योर मॉम्स हाउस राइट. तो तभी और एक बेबी शावर थे कंडक्ट. तो माय मॉम वाज लाइक मैं आ रही हूँ वहाँ पे, तभी कर लेंगे इन द 9th मंथ. यूजली 7th मंथ में ही होता है बट सेवन मंथ में अगर नहीं हो पाया तो 9th मंथ में यू कैन डू इट. सो दैट्स व्हाट वी डिड एंड आई लव्ड इट सो मच. पिक्चर्स आर सो क्यूट, वो भी देख लो इंस्टाग्राम पे. लुकिंग ब्यूटीफुल. थैंक यू. लुकिंग शाय. व्हाट? हाँ खिलाओ ना, खाओ ना, खा क्यों नहीं रहे हो? ओके तो नाउ दिस इज अ फाइनल व्लॉग दैट वी टुक बिफोर आवर बेबी अराइव्ड. ये हॉस्पिटल में है, तभी कोविड फुली ब्लोन था, देयर वर केसेस लाइक लेफ्ट एंड राइट. तो दे वर वेरी कॉशियस, हमें ये भी नहीं पता था वेदर रोहन विल बी अलाउड इन द डिलीवरी सीट. तो लकीली ही वॉज. तो वो सब हम इरा के ब्लॉग में रखेंगे इसके बाद जो आएगा. तो अभी ये लास्ट वीडियो है जो हमने हॉस्पिटल में खींचा था फ्यू आवर्स बिफोर शो. तो वो भी देख लो. वी लैंडेड विद दिस एंड इसके बाद वाले ब्लॉग के लिए भी स्टे ट्यून. अभी एक दो दिन में आना चाहिए. वो भी साइड बाय साइड एडिट हो रहा है. हाँ. तो तुरंत आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी वी आर वी हैव व्लॉग सो इरा ऑलमोस्ट 3 मंथ 2 एंड हाफ मंथ्स की हो गए हमने तब से वीडियो नहीं डाला है. बट वी हैव शॉर्ट टर्म वीडियोस. यस एंड वी हैव टू एडिट ऑल ऑफ देम नाउ. तो हम फटाफट डालने वाले हैं. एक दो दिन में आ जाएगा वो भी. और उसके बाद उसके बाद के जो वीडियोस होंगे निशिता इज नहीं तुमने बोला ही है ना. Hmm. Okay, okay. All right. So guys, it's 5th of January 2022 and this is some room. We are in our bedroom. They will call us. I don't know what, Abhi kaise, Nishita kaise, kidhar jayegi yahan se, hume kahan par lekar jayenge, never know. All right, then that's it for today, guys. If you enjoyed this, hit the like button and share it with your friends. और subscribe किया है तो thank you so much. नहीं किया तो कोई बात नहीं, आराम से कर लेना, कोई जल्दी नहीं. So we'll see you next time. Until then, take care of yourself and don't forget to keep slaying.